नमस्कार, मैं वैद्य रविंद्र कौशिक हूँ। मैं एक सर्टिफाइड पल्स डायग्नोसिस एक्सपर्ट एंड हर्बलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे जन्म लेती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नेचर ऑफ बॉडी उसके मदर एंड फादर से डिसाइड होता है। बेसिकली कि जैसा उसका फादर की फिजियोलॉजी है और जैसे उसकी मदर की फिजियोलॉजी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों में आता है, जिसको हम आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति इज नेचर। अब प्रकृति भी तीनों दोष के हिसाब से होता है, वात, पित्त और कफ। और कभी आपने ये सोचा है कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है और एक बच्चा थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता है, बेसिकली क्या रीज़न होता है उसका? उसका रीज़न ये होता है कि दोनों बच्चों की जो प्रकृतियाँ होती हैं, नेचर ऑफ बॉडी होता है, वो अलग होता है। बट हम खाना दोनों को सेम खिला रहे होते हैं। वही दाल खिचड़ी हम उस बच्चे को खिला रहे हैं, वही दाल खिचड़ी हम उस बच्चे को खिला रहे हैं। एक बच्चे को तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिससे बॉडी एंड माइंड प्रॉपरली ग्रोथ कर रहा है, और दूसरे बच्चे को एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है और उसका दिमाग पढ़ाई में या कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता है बेसिकली, और जिसकी वजह से उसके लाइफ में, करियर में बेसिकली उसको बड़े प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने बच्चे को उसके प्रकृति के हिसाब से नहीं चलाया तो उसके शरीर के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और लॉन्ग टर्म में जब वो बच्चा बड़ा होता है और मिडल एज में आता है तो उसको बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी प्रकृति को जानना चाहिए बेसिकली, कि हमारा नेचर ऑफ बॉडी क्या है, और उस नेचर ऑफ बॉडी के हिसाब से ही हमें अपने जो खाना पीना है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसी को जीना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे वात, पित्त, कफ। अगर आपकी वात टाइप की बॉडी है, ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन को इम्बैलेंस करती हैं, ठीक है। और अगर आपकी पित्त टाइप की बॉडी है तो आपको खट्टा, आपको मसाला, आपको ज़्यादा नमक, सॉल्टी, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज पित मीन्स अग्नि। तो हॉट पोटेंसी वाले आइटम्स आपको नहीं खाने चाहिए। अगर आपका कफ टाइप का बॉडी है तो आपको ज़्यादा मीठे, जो स्वीट बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, और जो हैवी चीज़ें होती हैं जिसमें हैवी फैट होता है बेसिकली, वो चीज़ें आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अगर लेट से बचपन से आपका पित प्रकृति है और आपको खट्टा, क्योंकि जो प्रकृति हमारी होती है उसके अगेंस्ट हमारी लाइकिंग्स होती हैं। अगर हम खट्टा मसाला बहुत ज़्यादा खाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें स्टमक से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, वो गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, बहुत सारे इश्यूज बेसिकली हमें लग जाते हैं, ठीक है। और आयुर्वेद ने बोला गया सारी बीमारी पेट से ही जन्म लेती हैं। एक बार सारा हमारा जो फैक्ट्री है वो डिस्टर्ब हुआ, तो ब्लड अगर डिस्टर्ब हुआ तो ब्लड ही पूरे बॉडी में फ्लो करता है, तो कहीं पे भी कोई भी बीमारी आ सकती है। तो किसी भी अच्छे से अच्छे नाड़ी विशेषज्ञ के पास आप जाके अपनी प्रकृति को चेक करवा सकते हैं, और आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेसिकली अपनी प्रकृति चेक कराने के लिए, हमारे लाइब्रेट प्रोफाइल के थ्रू, और डायरेक्टली हमारे क्लिनिक में विजिट करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपनी प्रकृति को जाने और बीमारी से निजात पाएं। धन्यवाद।